अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टर, करंट 2.5 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है बच्चों, हमें वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, करंट दिया है 2.5 मिली एम्पियर। अगर मैं इसी चीज़ का यूज़ करता हूँ तो ओम्स लॉ मुझे लगाना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर ऐसा फॉर्मूला बनेगा। सो R इज इक्वल टू V बाय आई, चले V है हमारे पास 12, 2.5 मिली का मतलब होता है 10 to the power -3। ओके R 12 डिवाइडेड में 2.5 का मतलब होता है 5/2, -3 ऊपर जाएगा तो +3। अच्छा 2 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है जो न्यूमरेटर में जाएगा, तो 12 × 2/5 10 to the power 3, तो 12 × 2 = 24 / 5 10। अच्छा ध्यान से, मैं 10 to the power 3 के दो हिस्से करता हूँ, 10 × 10 to the power 2। ऐसा करने का मेरा रीज़न था ये 5 को रिमूव करना, तो R हो जाएगा मेरे पास 24 × 2 मतलब के 48 × 10 to the power 2 यानी 48000 ओम, ये आपका रेजिस्टेंस होगा।